देखिए इस वीडियो में हम घर पर अपने आईब्रोज खुद से कितने आराम से बना सकते हैं. कीप वॉचिंग. बिलीव इन योर सेल्फ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गजल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. आई होप आप सब अपने अपने घरों में महफूज होंगे और खुश होंगे, टाइम को इंजॉय कर रहे होंगे. ऑल दो के मुश्किल टाइम है, लेकिन फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सारा वक्त. और घर में जब हम मौजूद होते हैं तो घरों के जो काम काज सारी चीज़ें जो हैं, उसके अलावा एक छोटा सा प्रॉब्लम और आता है, क्योंकि हम सैलून्स में जा नहीं सकते, हम ब्यूटी पार्लर्स में नहीं जा सकते. तो आईब्रोज बनाना, छोटे छोटे काम करना अपने, थ्रेडिंग वगैरह, वैक्सिंग, तो इन चीज़ों के लिए उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है जिन्होंने कभी ये नहीं किया होता है ख़ुद से और नहीं आता है या कभी प्रैक्टिस नहीं की होती उसकी. तो आज जो है वो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए घर पर बैठे बैठे, मैं अपने भी आईब्रोज बना रही थी आज, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं टेक्निक्स, वो टिप्स जिससे बहुत आसानी के साथ, बहुत आराम से हम अपने आईब्रोज खुद से घर पर बना सकते हैं. और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया आपने तो जल्दी से कर भी लीजिएगा सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक भी करना नहीं भूलिएगा. अब देखिए किस तरह से बनेंगे आईब्रोज घर पर रहते हुए. अच्छा, अब देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए बहुत ज़रूरी आईब्रोज बनाने के लिए. कोई सा भी हेडबैंड ले लीजिए, अगर ऐसा ना हो तो आप ये फैब्रिक का आता है इस तरह से भी ले सकते हैं. इसके अलावा आपको एक मिरर यानी आईना चाहिए होगा, एक मजबूत सा थ्रेड चाहिए होगा, ट्वीज़र चाहिए होगा, आईब्राउज का ब्रश चाहिए होगा, सीजर्स चाहिए होगी, और कोई आपको लिप पेंसिल या कोई भी शेप देने के लिए पेंसिल चाहिए, कोई स्टिकी टेप चाहिए होगी या बैंडेड भी यूज़ कर सकते हैं, और टैल्कम पाउडर अगर ना हो तो आप कॉर्न स्टार्च या कोई आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और वैक्स चाहिए होगी, वैक्सिंग की स्ट्रिप्स चाहिए होंगी. वैक्सिंग की स्ट्रिप्स होती हैं बहुत आराम से, हर ब्यूटी शॉप्स जो बाहर अवेलेबल होते हैं उसमें मिल जाती हैं. लेकिन अगर आप आजकल बाहर नहीं जा रहे हैं तो फिर मैंने अपनी वैक्सिंग वाली वीडियो में जो है वो शेयर किया था कि किसी भी मोटे कपड़े की स्ट्रिप्स आप काट लें, उसको अच्छी तरह से धो के उसको स्टरलाइज कर लें, साफ़ सुथरे तरीके से धूप में उसको सुखा दें ताकि वो बिल्कुल स्टरलाइज हो जाएँ, साफ़ हो जाएँ. वो छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स जो हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. आज मैं उसी के साथ आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस वक्त हम घर पर हैं, हम बाहर ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर सक रहे हैं, दुकानें बंद हैं सब. अपने बालों को आप किसी हेयर बैंड से सिक्योर कर लें ताकि वो वैक्सिंग या थ्रेडिंग में आपको डिस्टर्ब ना करें. अब मुझे आईब्रोज बनाए हुए 1 हफ्ता 10 दिन हो गए हैं और ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे बाल हैं जो बहुत मुश्किल से क्लीन होते हैं, लेकिन मैं आज आपको यही बताऊंगी कि इसे कितनी आसानी के साथ हम रिमूव कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपने फेस धोना है अच्छी तरह से, आपके फेस पर कोई ऑयल ना रहे. उसके बाद आपको बर्फ़ लगानी है उन जगहों पर जहाँ जहाँ आपको थ्रेडिंग करनी है या हम वैक्सिंग करेंगे या आईब्रोज बनाएंगे, उन जगहों पर आपको बर्फ़ लगा लेनी है ताकि वो थोड़ा सा नम हो जाता है वो एरिया और डिसेंसिटाइज हो जाता है. उस पर अगर आप प्लगिंग करते हैं, बाल निकालते हैं, अपने आईब्रोज बनाते हैं या थ्रेडिंग जो भी हम करते हैं, उसको उसका पेन बहुत कम होता है. अच्छा, आईब्रोज का जो शेप होता है वो बहुत ही एक पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आपको किस तरह का शेप पसंद है. किसी के बहुत थिन होते हैं, बहुत कम बाल होते हैं, कुछ तो कोई परेशानी की बात नहीं होती है. आप प्रॉपर एक शेप जो आपको अच्छा लगता है आप वो बनाएं, उसके बाद उसको बीच में फिल कर लेंगे. तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जब आईब्रोज बन जाएंगे तो वो फिल करेंगे और उसके शेप को मज़ीद आप पेंसिल से किसी से बेहतर बना सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आईब्रोज का शेप बनता कैसे है. ये नाक का नोस्ट्रिल दिख रहे हैं, ये नोस्ट्रिल से बिल्कुल बीचों बीच आपको इस तरह से पेंसिल रखनी है और ये आईब्रोज का स्टार्टिंग पॉइंट है. और इसी तरह से ये नाक का बीचों बीच रख के आप पेंसिल इस तरह से एक और पॉइंट आप बना लें, यहाँ से आपके आईब्रोज स्टार्ट होंगे. अब इसी नाक के नोस्ट्रिल से बीच में पेंसिल को रखना है और आँख को बिल्कुल स्ट्रेट रख के और बीचों बीच आपको एक पॉइंट बनाना है. ये आपके आर्च का पॉइंट है, यानी यहाँ से आपके आईब्रोज का कर्व बनना चाहिए. देख रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट देखना है और बीचों बीच ये लगाना है. अच्छा, अब आईब्रोज ख़त्म कहाँ से होंगे? ये नाक जहाँ ख़त्म होती है और जहाँ आँख ख़त्म होती है, यहाँ इस तरह से आपको पेंसिल रखनी है डायगनल और ये आपको एक पॉइंट बनाना है. यहाँ आपके आईब्रोज ख़त्म होने चाहिए. अब आप इस तरह से आईब्रोज का एक अपना शेप बना लीजिए तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए. इस शेप के बनाने से आपके लिए वैक्सिंग करना और थ्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगी, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं. अच्छा, अब वैक्स चाहिए होगी. वैक्स बनाने का तरीका मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है ऑलरेडी पहले, वो आप देख सकते हैं. और ये देख रहे हैं आप बिल्कुल जो लाइन हमने बनाई है, जो शेप, उससे मैंने बाहर लगाई है वैक्स, और ये वैक्स की स्ट्रिप भी जो है वो उस
वाइट लाइन के बाहर मैंने लगाई है ताकि कोई भी हम रिस्क ना लें जिसमें हमारे आईब्रोज के बाल वैक्स में चिपक जाएं। अब आप देख रहे हैं सारे जो बड़े बड़े बाल हैं वो निकले हैं, जो छोटे छोटे बाल हैं वो वैक्स में नहीं निकलेंगे, उससे हमें थ्रेडिंग से निकालनी होगी। और इसी तरह से एक छोटा सा पैच मैंने दूसरी साइड पर लगाया है। अब ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने शेप बनाया था आईब्रोज का, उससे ऊपर मैंने लगाया है ये वैक्स, और ये इसमें बड़े बड़े बाल निकले हैं। अब इसे हम ट्वीज़र से निकालेंगे और दूसरे हाथ की फिंगर्स की मदद से आपने स्किन को स्ट्रेच करना है और इस तरह से जो मोटे मोटे बाल हैं उसको ट्वीज़र की मदद से निकाल देना है। अच्छा, कुछ लोगों की यहाँ स्किन बहुत टाइट होती है, कुछ लोगों की बहुत लूज़ हो जाती है स्किन, बहुत ड्रॉपी आइज़ हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि छोटा सा स्कॉच टेप का टुकड़ा या बैंडेज जो आती है, जो हम कोई ज़ख्म आ जाता है हाथ पर बांधते हैं, वो आप थोड़ी सी टेप अगर आप अपने आईब्रो से लेकर ऊपर तक यहाँ अगर आप इस तरह से लगा लें, या इस तरह की फैब्रिक की टेप भी आती है, और जहाँ जहाँ आपकी स्किन लूज़ हो वहाँ आप उसको लगा लें। स्किन बहुत स्ट्रेच होके और टाइट हो जाती है और थ्रेडिंग करना या ट्वीज़र से प्लगिंग करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, थ्रेड किस तरह से बनाना है? थ्रेडिंग के लिए आपको 2 फीट लॉन्ग थ्रेड लेना है, जिससे आपको सीधे हाथ की पहली फिंगर में अंदर से बाहर की तरफ ले जाना है और उसे 6-7 दफ़ा लपेटना है। और दूसरा इसका जो पॉइंट है, दूसरा सिरा जो है धागे का, उसको आप अपने थंब यानी अंगूठे में इस तरह से बांधिए कि जो अंदर से बाहर की तरफ लपेट रहे हैं हमसे, और ये छोटा सा लूप बन जाएगा। फिर इस लूप को जो है आप ट्विस्ट दें 4-5 दफ़ा, तो ये आपका थ्रेडिंग का थ्रेड तैयार है और ये बिल्कुल सीजर की तरह काम करता है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आपको 1 फुट का धागा लेना है, उसको डबल करना है और नॉट डाल देनी है और इस तरह से लूप बनाना है जो आप दोनों हाथों से यूज़ कर सकें। और मुझे ये पहला वाला तरीका ज़्यादा सूट करता है, मेरी प्रैक्टिस उस पर हुई भी है। अब थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगा लीजिए। अच्छा, इसका सबसे जो मेन ट्रिक है इसकी, वो ये है कि आपको 1 या 2 बालों को टारगेट करके उसको निकालना है। बहुत सारे बाल आपको एक साथ नहीं निकालने, वरना आपकी स्किन इस थ्रेड के अंदर आ सकती है। मुझे काफ़ी प्रैक्टिस है इसलिए मैं टेप लगाए बगैर भी कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आपको प्रैक्टिस नहीं, तो आप टेप ज़रूर लगाइएगा ताकि आपकी स्किन इस तरह से स्ट्रेच हो। और 1-1, 2-2 बालों को आप सिर्फ टारगेट कीजिएगा, उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। ज़रा आपको लगे कि स्किन इसमें आ रही है धागे में, तो फ़ौरन छोड़ दीजिएगा उस धागे को लूज़, और बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आपको करना है। और अब आप इस टेप को आराम से वैसलीन थोड़ा सा लगा के निकाल सकते हैं। और अब ये ऊपर वाला साइड जो है आईब्रोज का, उसके में देखें ये छोटे छोटे बाल हैं, बहुत आराम से थ्रेडिंग में आ जाते हैं। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, हो सकता है कि पहली दफ़ा आपको ज़रा मुश्किल लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मैं 2 आईब्रोज के बीच में थ्रेडिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इस जगह भी आप छोटा सा एक वैक्सिंग का पैच लगा कर क्लीन कर सकते हैं। पहली दफ़ा में, दूसरी दफ़ा में हो सकता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अच्छा, कोई मसला नहीं अगर आपकी थ्रेडिंग से बाल सारे ना निकलें, आप आराम से फिर बाद में ट्वीज़र से इसे क्लीन कर सकते हैं। अब जहाँ से आईब्रोज शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे आपने ब्रश से थोड़े थोड़े बालों को स्ट्रेट करके और जो एक्स्ट्रा बाल हैं लंबे, उनको हल्का सा ट्रिम करना है। अब यहाँ देखिए मेरे बाल कम हैं, तो मैं इसे डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो के साथ फिल करूँगी। कोई भी ऐसा आई शेडो या आई पेंसिल जो डार्क ब्राउन कलर की हो, जो आपके बालों से करीब तरीन कलर हो, वो लगाइएगा और फिर इसे किसी ब्रश की मदद से ब्लेंड ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन ब्लैक कलर का आई शेडो या ब्लैक कलर की पेंसिल अवॉइड कीजिएगा। और अब ये जहाँ पॉइंट ख़त्म होता है ये आईब्रोज, वो थोड़े से लंबे हो गए थे मेरे, तो मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ ताकि प्रॉपर शेप में आ जाए। और अब आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन, और ये देखें मैंने नहीं बनाया, इन दोनों में कितना फ़र्क है। और अब मैंने ये दोनों बना लिए हैं, उसी तरह से दूसरा वाला आईब्रो भी मैंने बना लिया है। और अब मैं फॉरहेड पे थोड़ी सी थ्रेडिंग कर रही हूँ, और आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप फॉरहेड पे थ्रेडिंग से प्रैक्टिस कर सकती हैं। अब आप देख सकती हैं आपके सामने मैंने दोनों आईब्रोज बनाए हैं और ख़ुद से बनाए हैं घर पर, और कितने अच्छे बने हैं। तो अब देखा आपने कितनी आसानी के साथ आप खुद से घर पर आईब्रोज बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और यकीन करें आपको जब एक दफ़ा आप खुद करने लगेंगे आपको इतना मज़ा आएगा। इसमें एक तो सलोन्स जाने की वो जो एक तकलीफ होती है, उनके टाइम के हिसाब से मैनेज करना, उनसे बच जाएंगे,
पैसे भी आपके कम खर्च होंगे और जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कम से कम अगर आप सलोन्स में ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आप उस रिस्क से भी बच जाते हैं कि खुदा ना खासा कोई अनहाइजेनिक तरीके से कोई कर रहा है कुछ, तो वो बैक्टीरियाज, वो जर्म्स और वायरसेस वो भी अपने साथ हम नहीं लाएंगे। और मुझे आप जल्दी जल्दी कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। साथ ही मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी मैं। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ये जो राउंड सर्कल में मेरा आपको फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक करके और बॉक्स में जो वीडियो नज़र आ रही है उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी।